अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मैटलैब की बेसिक्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि मैटलैब कैसे यूज़ करते हैं और मैटलैब में चीज़ें कहाँ कहाँ से निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास सिमुलिंक है, सिमुलिंक में हम जो है वो ब्लॉक डायग्राम वगैरह बनाते हैं। तो पहले हम लाइब्रेरी में ब्राउज करेंगे ताकि हमारे पास एलिमेंट्स आएँ। फिर हम यहाँ पर सिमुलिंक पर जाएंगे, सिमुलिंक में जाएंगे तो हमारे पास सिंक्स में हमारे पास जो जो हमारे पास इनपुट्स होंगी वो आ जाएंगी। अब जैसे जो जो हमारे पास आउटपुट पे जो आउटपुट शो करने के लिए होता है ना, स्कोप जैसे होता है, स्कोप वगैरह होता है, स्कोप से क्या होता है हमारे पास आउटपुट शो होती है। अब हमें इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे और इधर ले आएंगे, ड्रैग कर लेंगे। एक ये भी तरीका होता है, एक ये तरीका होता है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से स्कोप लिखेंगे, स्कोप टाइप करेंगे, स्कोप टाइप करेंगे तो अगली बार डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा। और अगर आपको साइन वेव चाहिए तो आपको सोर्स पे जाना पड़ेगा। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ऊपर जाएंगे, यहाँ सोर्सेस पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। देखें, जैसे आप देख सकते हैं चिप सिग्नल है कोई, ये सब आपके पास सोर्सेस हैं। ग्राउंड भी अवेलेबल है आपके पास यहाँ पे, पल्सेस जनरेटर है, रैम भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अब जैसे मुझे रैम दिखाना है कि स्कोप पे रैम कैसा आएगा, तो मैं क्या करूँगा, स्कोप को रैम को कनेक्ट करूँगा ऐसे और कनेक्ट करवा दूँगा ब्लूटूथ से और रन करूँगा और स्कोप पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये रैम बनी हुई आएगी।